हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास टेंथ में हो और 2025 बोर्ड एग्जाम दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी विषय की तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ऐसे ही करना पूरी हिंदी की तैयारी, किस तरह से आपको हिंदी विषय की तैयारी करनी है ताकि आप 70 नंबर बिल्कुल 100% पक्का कर लो। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को सबसे ज़रूरी बात बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर आपको क्या तैयार करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 5, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। साथ ही मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता भी चलूँगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न 5 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इस तरह से 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी 5 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य के इतिहास से 5 प्रश्न होंगे और हिंदी पद्य के इतिहास से 5 प्रश्न होंगे, टोटल 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और इनका आप जब सही उत्तर कर लेंगे OMR शीट में तो पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है आगे आपको क्या तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, रस। रस के अंतर्गत आप हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा, हास्य रस और करुण रस की परिभाषा या लक्षण, परिभाषा या लक्षण आपको तैयार करना है। साथ ही इनके कुछ प्रमुख उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है, और मैं आपके लिए हिंदी विषय की एक महामैराथन वीडियो दूंगा जिसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, रस के अंतर्गत हास्य रस और करुण रस आप तैयार कर लो, लक्षण या परिभाषा, और साथ ही इनके महत्वपूर्ण उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा। आगे के क्रम में आपको तैयार करना है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रस से संबंधित प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। चलिए आगे आपको क्या तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप तैयार करेंगे छंद। क्या तैयार करेंगे, छंद आपको तैयार करना है, और छंद के अंतर्गत आप सोरठा एवं रोला छंद की परिभाषा या लक्षण आप तैयार कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है आगे की ओर बढ़ने की, आगे आपको क्या तैयार करना है, अलंकार। अब अलंकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से अलंकार तैयार करने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण और इनके उदाहरण आपको तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का प्रश्न 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला आगे यानी आपको क्या तैयार करना है, उपसर्ग। अब उपसर्ग के अंतर्गत आप आ से क्या बन सकता है, यहाँ पर काल लिखा है, अब इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, अकाल हो गया, अनाथ हो गया, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। परीक्षा में आ सकता है कि अनाथ में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, आ है, इस तरह से ये रहा। अब जैसे कि अन है, अध है, अप है, अनु है, उप है, सह, निर, अभि, परि और सु, ये उपसर्ग हैं,
इनसे निर्मित शब्दों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और यह भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार, आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा समझते चलें, परिवार लिखा है। अब परिवार में पूछा गया है कि उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, परि है उपसर्ग, क्या है, परि उपसर्ग है। बाकी वार क्या है, मूल शब्द है। तो ये देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। शब्द लिखा रहेगा, पूछा जाएगा उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर परि है। जैसे उदाहरण के लिए परिवार में उपसर्ग क्या है, परि है, और मूल शब्द क्या है, वार है। आगे आप देखिए, यहाँ पर समास आपको तैयार करना है। समास के अंतर्गत आप द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीही समास का लक्षण या परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इनके उदाहरण भी आपको तैयार कर लेने हैं। यदि प्रश्न आता है तो कितने नंबर का आएगा, एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे आपको क्या तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी आप लोग तैयार कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपको तैयार कर लेना है। तत्सम तद्भव शब्द भी आपको तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण जो भी होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब बारी आती है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आप सर्वनाम जिसमें तद और युष्मद आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी ये प्रश्न जो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूं, आगे आप यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दें, वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, विकारी एवं अविकारी शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप जो है पद परिचय 12वें नंबर पर है, पद परिचय, विकारी एवं अभिकारी शब्द भी तैयार कर लेंगे, एक नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हैं 12 टॉपिक, कुल 12 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, और ये 12 टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने मेरे प्यारे बच्चों, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं के अंतर्गत ये प्रश्न रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, जैसा कि मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बता भी दूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है आगे आपको क्या तैयार करना है। महत्वपूर्ण गद्यांश 2025 बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण गद्यांश, किस पाठ को आपको अच्छे से तैयार करना है, जहां से गद्यांश 2025 में 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का। दो गद्यांश दिए रहेंगे, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर जब आप कर लोगे, 6 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। अब गद्यांश के लिए आप मित्रता नामक पाठ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ममता नामक पाठ के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी, और इस कहानी पाठ को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यदि कोई भी गद्यांश आए आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप तुरंत जान जाओ कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है और लेखक कौन है। 3रे नंबर पर आप तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण पाठ है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी है कि इन्हीं पाठों में से किसी एक, मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक पाठ का गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% क्या हो जाएगा, 100% मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण पद्यांश जो 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं,
जो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। कौन कौन से पद्यांश आपको तैयार करना है? सबसे पहले पद शीर्षक पाठ आप पढ़ लीजिएगा। पद शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा। और इसके अंतर्गत कुल 11 पद हैं। कितने? सूरदास जी के कुल 11 पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। यदि आपको व्याख्या से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है कि भक्ति एवं नीति के दोहे। भक्ति एवं नीति के दोहे आपको तैयार कर लेना चाहिए। और इसके अंतर्गत यहाँ पर दिहारी लाल जी हैं इस पाठ के रचनाकार। यहाँ पर एक चीज छूट गई मेरे प्यारे बच्चों, धनुष भंग वन पथ पर रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इन पाठों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर स्वदेश प्रेम, यानी स्वदेश प्रेम के लेखक कौन है? राष्ट्र प्रेम। मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम इस तरह से लिखा हो तो लेखक इसके कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के लेखक। इस कविता के सभी पद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और इस तरह से कुल आपको मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर यहां पर भी मिलेंगे। तो 6 नंबर का गद्यांश आएगा और 6 ही नंबर का पद्यांश आधारित प्रश्न आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर आगे के क्रम में आपको क्या तैयार करना है? लेखक का जीवन परिचय। किसी भी लेखक का जीवन परिचय आपको नहीं तैयार करना है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, इनका जीवन परिचय भी जरूर पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय और इनसे संबंधित रचना का नाम भी जरूर तैयार कर लेना। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अब बारी आती है कवि का परिचय। कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय आप तैयार करो ताकि 2025 में वही जीवन परिचय पूछा जाए। तो कवि परिचय भी आएगा, कितने नंबर का प्रश्न? 5 नंबर का। किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% ये जीवन परिचय पूछे ही जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप श्लोक जरूर तैयार कर लेना। 3 श्लोक आप तैयार करेंगे, क्या पता आपने 2 श्लोक तैयार किए और दोनों ही बोर्ड परीक्षा के पेपर में आ गए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि श्लोक वही लिखना होता है जो बोर्ड परीक्षा में ना आया हो, यानी बोर्ड एग्जाम के पेपर में ना आया हो। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। दूसरा श्लोक आप तैयार कर लो, बिल्कुल आसान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। यह भी श्लोक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला श्लोक आप तैयार कर सकते हैं, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सः पंडितः। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 श्लोक आप तैयार कर लो, पूरे पूरे 2 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। चलिए अब बारी आती है हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आप कहाँ से तैयार करोगे और ये गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे कितने नंबर के। तो संस्कृत का गद्यांश आएगा कितने नंबर का? 2 गद्यांश होंगे, किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों और उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर ध्यान देंगे,
कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा, 2 पद्यांश आएंगे, किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, यह भी प्रश्न आएगा 5 नंबर का। तो कुल 10 नंबर यहाँ से हो गए। तो इसके लिए आपको कौन कौन से पाठ अच्छे से पढ़ लेना है? वाणारसी पाठ आप अच्छे से पढ़िए, गद्यांश पद्यांश पढ़िए, एक एक शब्द की मीनिंग पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, दीरह दीरेण पूजते आप अच्छे से पढ़िएगा, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ को भी आपको पढ़ना है और जो श्लोक दिया गया है उसको भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ को भी आप पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से 5 नंबर के गद्यांश और 5 नंबर के पद्यांश हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक पाठ आप जरूर पढ़िएगा, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ। जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ आप जरूर तैयार कर लेना, एक न एक पद्यांश यहाँ से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से आपको तैयार करने हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपको क्या तैयार करना है? पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है और निबंध आधारित प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 7 नंबर का। वृक्षारोपण का महत्व, इस विषय पर भी निबंध आप लोग तैयार कर लेंगे। और विज्ञान वरदान या अभिशाप, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में आने वाला निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। छात्र और अनुशासन, इस निबंध को भी आपको तैयार करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शीर्षक निबंध भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब बारी आती है खंड काव्य की, तो खंड काव्य पर आधारित प्रश्न आएगा 3 नंबर का। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस, तो आप मेरे प्यारे बच्चों किस जिले से हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आपको उसी खंड काव्य के किसी एक का उत्तर करना होगा, 3 नंबर आपको मिलेंगे। अब बारी आती है पत्र लेखन से संबंधित, तो कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं? शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिए, बिजली समस्या पर पत्र लेखन भी तैयार कर लीजिए, वेतन भोगी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सफाई पर नियंत्रण करने पर, यानी सफाई पर पत्र लेखन भी आप तैयार कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कितना जो है, मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी में मात्र इतना ही तैयार कर लोगे तो 70 में 70 का स्कोर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।